तो अभी हम लोग फाइनली निकल गए हैं, क्या करने को? पहले तो खाना खाना है, 4 बज रहे और अब हम खाना खाएंगे भाई, बिकॉज यू नो वी आर बिजी पीपल, वी हैड अ लॉन्ग ट्रेन, कुडंट स्लीप, सो हैड टू स्लीप। तो अभी गेम ये है कि भाई जाना है, पहले तो अच्छे से अच्छा खाना खाना है और उसके बाद में फिर मंदिर वगैरह के जो आज दर्शन कर सकते हैं वो कर लेंगे, और उसके बाद में क्या, उसके बाद में फिर कल करेंगे। ओके हेलो, अभी हम लोग फाइनली बाकी भी हरी जी के मंदिर के यहाँ जा रहे हैं, वही लाइन देखो। आज के ट्यूसडे वेडनेसडे को भी ये हाल है शाम के टाइम, अभी भी मंदिर खुला ही है। अभी यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ ना तो आपको थोड़ा थोड़ा शायद मंदिर दिखने में लग गए, आई थिंक सो यही मंदिर है। पेड़ों वेड़ों की दुकान भी है, दुकानों की साइज भी डिफर करती है, ऐसी शॉप भी है, इतनी बड़ी बड़ी शॉप भी है, और पीछे भी करीब करीब ना उतनी बड़ी लाइन है जितनी आपको आगे दिख रही है। चलो अब हम चप्पल उतारते हैं। अभी हम लोग गेट नंबर 3 से अंदर जा रहे हैं, ये है यहाँ पे अंदर आते पानी पीने का है, अपने दर्शन हो गए एकदम अच्छे से, और ये आप लोगों के लिए फ्रेम छोड़ देता हूँ। और यही है कि भाई एंट्री निशुल्क है और अंदर कैमरा वगैरह आप यूज़ नहीं कर सकते, बाकी एंट्री वगैरह जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो बस थोड़ा सा टाइमिंग देख के आ जाओ और आराम से दर्शन हो ही जाते हैं। हाँ थोड़ा सा धक्का मुक्की होगा जैसे जैसे आप पास में पहुँचोगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को प्रसाद और ये सारी चीज़ें चढ़ानी होती है, बट अदर देन दैट बढ़िया आराम से। चलो भाई प्रसाद तो मिल गया, अब जाके पवन को मिलते हैं क्योंकि वो गेट नंबर 1 से बाहर निकले। आ गए हैं प्रेम मंदिर और भाई फटाफट अंदर जाते हैं, अभी हो रहे 8:05, 8:30 को ये बंद हो जाता है, तो देखते हैं कि दर्शन करने होता है कि नहीं होता। प्रेम मंदिर दिख रहा होगा और अच्छे से दिखाता हूँ, ये देखो ये है प्रेम मंदिर, यहाँ ये एग्जिट का लाइन है, और वहाँ पे भी कुछ है, मैं दिखाता हूँ आपको। रात में ये इतना भव्य और सुंदर दिखता है, ऐसे ठीक ऊपर चांद भी दिख रहा है आज तो। और वहाँ पे हमारे पवन सर अभी भी ढूंढ रहे हैं भाई, इधर इधर इधर, कैमरा चालू है, अरे लगा लिया, अरे हाँ भाई वो स्टैम्प मार के गई है, हाँ सही है यार। और ये जो एक्चुअल प्रेम मंदिर है इसमें ऊपर जाके भी फोटोज ले सकते हैं। यहाँ पे रात को आने का मेरा मेन रीज़न यही था कि बिकॉज यहाँ पे इतना अच्छा लाइटिंग वगैरह होता है, तो इस वजह से। मंदिर के पीछे का हिस्सा है और यहाँ पे भी मतलब डेकोरेशंस बहुत सारे हैं, उस तरफ भी है और यहाँ पर भी है, इवन पीछे भी है अगर मैं जूम करूँ, हालांकि जूम में इतना ठीक से दिखेगा नहीं, पर पीछे भी है, और वहाँ पे आई थिंक महाभारत का आइकॉनिक जो वो रथ वाला
स्टैचू है वो है, ट्राई करते हैं वहाँ पे जाने का अगर, क्योंकि काफ़ी जगहों पे ना मतलब अभी ऐसे बंद कर दिया तो पता नहीं जाने मिलेगा या नहीं, बट जाते हैं। सर मेरा भी एक वीडियो निकालो ना ऐसी चलते हुए का। कैसे? ऐसी मैं चल रहा हूँ, देख रहा हूँ, आपका फ़ोन दे दो ताकि मैं प्रिटेंड कर सकूँ कि यू नो खाली बीच का बटन दबाने का ना, ये लाल वाला और लैंडस्केप में लाल वाला नहीं काला वाला हो गया। हाँ हाँ ठीक है, वो चालू ही है, फिर करते जाओ। हिल रहा है वो फुटेज, पूरा खराब हो जाएगा फुटेज, इतना भी फेक नहीं करना था। सो गाइस आपने कैंडिड फोटो का सुना होगा, तूने उल्टा किया है, अब सबको फोन ऐसा करना पड़ेगा। क्या बात कर रहा है, लैंडस्केप का वीडियो पोर्ट्रेट में जाए भाई, लैंडस्केप में लेता हूँ ना। अच्छा ये ऐसा करूँ। सो गाइस आपने कैंडिड फोटो सुना होगा, हम कैंडिड वीडियो का ट्राई कर रहे थे यहाँ पे, जूता चप्पल है जहाँ पे अच्छा खास। ये क्लिप जाने वाले तो है नहीं, चले गया ये क्लिप जानी तो है नहीं।